अपने परिवार बात कर रहे हैं और दूसरा को परिवार बात का आरोप लगा रहे हैं, तो कोढ़िया तो उनको खुद पकड़ ले, दावा पूरा बांटे चल रहे हैं कि हम परिवार बात नहीं करते हैं, ये महापरिवार बात करते हैं। विदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, मांझी जी विदेशी हैं, इनको जाना है। मांझी समुदाय बहुत भोला भाला है, उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसके नाम पर ही वोट लेते हैं और परिवार को अपना दुकान, राजनीतिक दुकान चलाते हैं। प्रशांत किशोर को कौन नहीं जानता है, ये नेता थोड़ी है, ये तो बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करने के लिए निकले हैं। डिग्री कॉलेज जो होना चाहिए बढ़िया, एजुकेशन नहीं है, आपको झारखंड से जो रोड मेन रूट जोड़ना चाहिए ली, वो रूट नहीं जुटा हुआ है। माहौल यहाँ आरजेडी की है, आरजेडी बस्ती है इमामगंज, आरजेडी के टोपी पहने तो आरजेडी का ही गुण गाएंगे, आरजेडी ही बस्ती है इमामगंज विधानसभा में। हमारा समाज, अकलियत समाज जो है, हमेशा लालू जी के साथ, वफादारी के साथ रहा है और रहेगा। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं इमामगंज में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रत्याशी रोशन मांझी जी, जिनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ तैयारियां है, कैसे हैं आप? जी बहुत ठीक है। क्या कुछ तैयारियां है आपको? पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया। हम लोग की तैयारी बहुत वार्ड स्तर पर है, राष्ट्रीय जनता दल के, हम लोग के परिवार बहुत लंबा है। परिवारवाद की बात चलती है, परिवार कौन सा परिवार की बात कर रहे हैं आप? मतलब परिवार जिसे कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल में अच्छा बहुत बड़ा गठबंधन है, तो उसी को हम कह रहे हैं कि परिवारवाद। मतलब परिवार लोग का बहुत लंबा संख्या है, हर पार्टी के गठबंधन इसमें है, तो हम लोग के जमीन पर हर जगह आपको कार्यकर्ता बढ़कर मिलेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मांझी जी लगातार परिवारवाद पर हमला करते हैं, बोलते हैं लालू यादव के परिवार में परिवारवाद है, और इस पर अपने बहू को टिकट दिए हैं इमामगंज से विधानसभा चुनाव में, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? ऐसे कहने का मतलब है ना कि जिसको जिसको कोढ़िया हुआ है वो खुद कोढ़िया का दावा बांटी चल रहा है, अपने परिवार बात कर रहे हैं और दूसरा को परिवार बात का आरोप लगा रहे हैं, तो कोढ़िया तो उनको खुद पकड़ ले, दावा पूरा बांटे चल रहे हैं कि हम परिवार बात नहीं करते हैं, ये महापरिवार बात करते हैं। कहाँ इमामगंज के, अगर कहते हैं कि हम मांझी के ही तैसी हैं, तो कहाँ यहाँ मांझी के बेटा के टिकट दी, अपना बहू के चुनाव मैदान में उतार दी, तो यहाँ जो है से मांझी समुदाय बहुत भोला भाला है, उसको ब्लैकमेल करते हैं, ये उसके नाम पर ही वोट लेते हैं और परिवार को अपना दुकान, राजनीतिक दुकान चलाते हैं। एक मांझी दूसरे मांझी का सामना कैसे करेगा? सामना को लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, कोई नेता बड़ा नहीं होता, अब ये तो मंत्री हैं, लेकिन झारखंड में दो दो को मुख्यमंत्री हार गया है चुनाव, और साधारण आदमी चुनाव हराया है, राजा पीटर भी हराया है, राघवर दास के भी हराया है, मुख्यमंत्री रहते हुए हराया है, ये तो मंत्री हैं, इनको हराना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इनको जनता, इमामगंज के जनता अभी इनको सबक सिखा देगा। आपके इमामगंज में समस्या क्या क्या है? इमामगंज में तो समस्या है। पांच समस्या बताइए। यहाँ जो है आपको डिग्री कॉलेज जो होना चाहिए बढ़िया, एजुकेशन नहीं है, आपको झारखंड से जो रोड मेन रूट जोड़ना चाहिए ली, वो रूट नहीं जुटा हुआ है, बहुत यहाँ समस्या। एगो आपको बता रहे हैं कि संतोष मांझी जी मंत्री थे, लघु सिंचाई मंत्री से, तो आप जाके एगो राजा बांध बनाए हैं, 16-17 करोड़ का योजना है, आप जाके बांध पर आप जाके खुद देख लीजिए, मुश्किल से 3 करोड़ के काम होल होगा, उसमें एस्टिमेट घोटाला हुआ, जाके आप देख लीजिए, कोई आदमी के, अनोन आदमी के ले जाके देखिए, एकदम कम पढ़ा लिखा आदमी के भी जाके देखिएगा तो मुश्किल से 3 करोड़ का काम होगा, बाकी पैसा एस्टिमेट घोटाला हुआ, यही तो उनका काम हुआ है, और जितना बड़ा नाम था जीतनराम मांझी जी के, उसके अनुकूल क्षेत्र में काम नहीं हुआ। मांझी जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, के मांझी जी उनको कहिए गिरवान में झांकने के लिए, अगर जांच हो, आप खुद मीडिया वाले भाई हैं, आप जाके स्थल पर देख लीजिए, तो 16 करोड़ के काम है, मुश्किल से 3 करोड़ के काम होगा, आप जाके देख लीजिए, एकदम पर्यटकल में आप उतार लीजिए जाके। मांझी जी लगातार कैंपिंग कर रहे हैं इमामगंज में, एनडीए के तमाम नेता कैंपिंग कर रहे हैं, रामकृपाल यादव, यादव का वोट लेने के लिए, तमाम मुस्लिम मंत्री भी यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि मुसलमानों का वोट लिया जाए, मांझी समुदाय जितने भी लोग हैं वो पहुँच रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे मतलब आप लोग इसको हैंडल कर रहे हैं? मेरे साथ मांझी लोग कम थोड़े, नेता लोग घूर रहा है, सब लोग थोड़े घूर रहा, सब कम थोड़े मेरे तरफ से घूर रहा, तो कहने का मतलब है कि जो जिस पार्टी में रहता है वो प्रचार करने आता है, लेकिन जो आ रहे हैं उसे कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा 5 काम बताइए जो जीतने के बाद सबसे पहले आप करेंगे इस विधानसभा में?
सबसे पहले देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जनता ने अगर हमको चुनाव जिताया तो सबसे पहले हम इमामगंज विधानसभा में एक कमेटी बनाएंगे, पार्टी के लोग भी रहेंगे और कुछ प्रबुद्ध लोग जो बुद्धिजीवी होते हैं उस भी उन लोग भी इस कमेटी में रहेंगे। उन लोग ने जो निर्णय लेगा इस विधानसभा में क्या काम होना चाहिए हम उसके अनुकूल काम करेंगे, हम अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे। अगर वो कहेंगे ये काम होना चाहिए तो यही काम हम करेंगे, हम उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंप देंगे। दूसरा काम है कि जो वो जो सुझाव देंगे एक बाद वो सुझाव का हम अमल करेंगे और उसमें हम देख लें कि पहले जरूरी है तो उन लोग के सहमति से वो काम भी हम करेंगे। दो ही हुआ, पांच पूछा मैंने, तो पांच है यहाँ रोड के बताइए दिए। बहुत सा झारख जैसे बहुत सा गांव इलाका में ग्रामीण में रूट अभी गया नहीं है, वहाँ हम रूट जुड़वाने के काम करेंगे। और यहाँ आपको आपको ये मैगरा से लेकर देव वाला जो रोड है ये तारचुआ होते छकरबंदा होते देव में अगर जुट जाएगा तो हमको औरंगाबाद बहुत नज़दीक हो जाएगा। ये सब काम हम लोग के दिमाग में चल रहा है और ये क्षेत्र में हम लोग दिल में बैठा लिए हैं कि हमको क्या करना है। यहाँ के हम जन्मे हैं, यहाँ बड़े हैं, तो यहाँ के लोग के दुख दर्द, यहाँ के भौगोलिक ज्ञान जितना हमको है उतना बाहरी नेता के नहीं है। पथरा जान रहे हैं आप जी? पथरा कौन पथरा? यहाँ पथरा तीन गो है, केवलडी पथरा जी जी, एक वो है एक यहाँ पर सड़क की समस्या है। हाँ जी है, पार करके लोग आते हैं जाते हैं, तो समस्या है। तो ये 9 साल यहाँ रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, कहते थे कि हम बड़ा नेता ही हो, तो काम तो उनको ना कराना चाहिए। तो कभी सवाल किए माझी जी से आप लोग? सवाल तो जनता करवे किया है, कभी आपने करने की इच्छा किया? हम लोग तो बहुत सवाल करते हैं लेकिन वो चिड़चिड़ा जाते हैं, उम्र का मन तकाजा है काम नहीं कर पाते हैं। तो आप इन सब समस्याओं को दूर कीजिए, अगर मान लीजिए विधायक आप बन जाते हैं तो? जी निश्चित हम करेंगे निश्चित। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? मैं मकबूल आलम। इधर क्या माहौल है आप लोगों के साइड से? मतलब देखिए मैं तो बेगूसराय से हूँ, बेगूसराय से आया हूँ खास करके अपने पार्टी के। यहाँ पे अपने समाज में बात कर रहे होंगे, क्या पता चल रहा है? एकदम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा समाज अकलियत समाज जो है हमेशा लालू जी के साथ वफादारी के साथ रहा है और रहेगा और आइंदा आने वाले दिनों में भी रहना है। वैसी जो प्रशांत किशोर के साथ में नहीं? देखिए प्रशांत किशोर को तो सारे लोग समझ रहे हैं, ये कौन टीम है, प्रशांत किशोर को कौन नहीं जानता है, ये नेता थोड़ी है, ये तो बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करने के लिए निकले हैं, सब जगह से थक हार करके, समझ रहे हैं। तो कोई विकल्प नहीं मिला, जब विकल्प नहीं मिला तब जाकर के ये सियासत में कदम रखे हैं, ये भी सियासत में सियासत को भी बिजनेस बना दिया है प्रशांत किशोर ने। और खास करके आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा हमला अगर प्रशांत किशोर करता है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से शुरू होता है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे खत्म हो जाता है। नीतीश कुमार भी शामिल? देखिए नीतीश कुमार भी शामिल है और माननीय नरेंद्र मोदी भी शामिल है, लेकिन थोड़ा बहुत हमने क्या कहा आपको कि आदरणीय लालू जी से शुरू होता है, उनका जुबान जब खुलता है तो आरजेडी से लालू जी का नाम लेकर के और तेजस्वी पे बीच में आया बाया करके तेजस्वी जी पे खत्म कर देता है। तो ये इनकी क्या मानसिकता है समझ से बाहर है। और खास करके इमामगंज में हम लोग भी आए हैं, बाहर से आए हैं, इमामगंज की सरजमीन पर हम लोग काम कर रहे हैं और खास करके हम अपनी समाज माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो एक एक वोट आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को मानने वाले लोग अल्पसंख्यक लोग हमारे साथी रोशन कुमार माझी जी के पक्ष में एक नंबर बटन लालटेन छाप पर दे रहे हैं। चलिए हमारे साथ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर कैमुद्दीन अंसारी। कैमुद्दीन अंसारी जी, क्या माहौल है यहाँ पे वोटिंग को लेकर? माहौल यहाँ आरजेडी की है, आरजेडी बसती है इमामगंज। आरजेडी के टोपी पहने तो आरजेडी का ही गुण गाएंगे। आरजेडी ही बसती है इमामगंज विधानसभा में सर। यहाँ मांझी जी कह रहे हैं आरजेडी हवा में उड़ गई है। मांझी जी यहाँ नारा है सर, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। मांझी जी विदेशी हैं, इनको जाना है, एक बार लाए थे उनको कि भाई कुछ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कुछ इमामगंज की तरक्की करेंगे। अभी उनका गरीबों के मांझी समाज को स्मार्ट मीटर लग रहा है, ये नस से बॉडी से ब्लड खींचने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं आप लोग? जी हाँ, स्मार्ट मीटर के मैंने आंदोलन भी किया, समझे। स्मार्ट मीटर ये मांझी जी की देन है, जो गरीबों को ब्लड खींचने का काम कर रहे हैं, अब ब्लड बेचेंगे ये।
मांझी जी का देन है कि स्मार्ट मीटर से गरीबों का ब्लड खींच रहे हैं। साफ तौर पर राजद कार्यकर्ताओं का प्रखंड अध्यक्ष का ये कहना है, और जिस तरीके से मैंने कैंडिडेट से बातचीत किया उनका कहना है कि मैं चुनाव जीतने के बाद इतने काम करूंगा और जिस जगहों पे समस्या होगी सबसे पहले वहाँ पे कमेटी बनाकर वहाँ के लोगों से राय परामर्श लेंगे और फिर वहाँ पे उस हिसाब से हम काम करेंगे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।